के अंदर जो सिम्टम्स आपको आते हैं, आई मीन टू से जो वो सिम्टम्स आपको शो करते हैं, उसको थोड़ा काम डाउन करने के लिए कुछ ऐसी हर्ब्स बताने जा रहा हूँ जो आपको आराम से उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने एक अभी थोड़े टाइम रिसेंटली एक पेन रिलीफेंट वाली एक एक्सरसाइज की वीडियो भी बना रखी है। अगर आप वेरिकोसील में पेन से सफ़र कर रहे हैं या आपको पेन हो रहा है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको पेन में जल्दी रिलीफ मिल जाए। देखो, आप दवाइयाँ तो एलोपैथिक जो मर्जी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बाहर मार्केट में दवाइयाँ जो पेन किलर्स हैं जो आपको मिल जाती हैं इजीली, बट वो आपकी किडनी और आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे कि आपकी किडनीज को दिक्कत हो सकती है, एज इन लंबे टाइम तक आप पेन किलर खा रहे हैं तो आपकी किडनी में दिक्कत आ सकती है, या आपको और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक टैबलेट ले रहे थे, पेन किलर ले रहे थे, उसके बाद उनको एक दिन रियलाइज़ होता है कि उनकी किडनी, या जिसे हम बोल देते हैं एक्यूट किडनी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपने पेन किलर से बचना है और घर बैठे ही ठीक होना है बिना किसी को पैसे दिए, तो आप कुछ चीज़ों को पे ध्यान दे दीजिए। सबसे पहली चीज़ जो मैंने एक्सरसाइज आपको रिलीफ वाली बता रखी है, एक उसको 2 बारी दिन में ज़रूर करें, एक सुबह और एक शाम को, जिससे आपको इजीली पेन में रिलीफ मिल जाए और आपके पूरे दिन के जो होल एंड सोल वर्क होते हैं इधर उधर जाने वाने के, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। दूसरी होती है डाइट हमारी। सेकंड थिंग क्या है? डाइट। डाइट में हम बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से इंटेक कर सकते हैं जो हमारे प्रॉब्लम को थोड़ा सा कट डाउन करें या हमारी प्रॉब्लम को सॉर्टेड करें। अब जैसे कि हमारी वेरिकोसिल में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? पेन। और पेन किस वजह से होता है? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? इन्फ्लामेशन वाली ऐसी हम चीज़ें खा सकते हैं या ऐसा फूड हम इंटेक कर सकते हैं जिससे हमको पेन में रिलीफ मिले। जैसे कि अनियन। अनियन हम नॉर्मल होता है खा सकते हैं, आपके घर पे भी अवेलेबल है। प्याज को हम खा सकते हैं, वो हमारे क्या करता है? एंटी इंफ्लेमेटरी भी है और सर प्लस वो क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट भी है, और इसके साथ क्या करता है? आपके खून को पतला भी करता है। जब आपका खून पतला होता है और आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा तो आपको पेन कम होगा। इसके बाद एक और हर्ब जो हम नॉर्मल हम सब्जियों में भी खाते हैं, हरी मिर्च। हमेशा आपको कोई भी डॉक्टर वेरिकोसिल में लाल मिर्च के लिए मना करेगा, हरी मिर्च के लिए नहीं करेगा। तो हरी मिर्च को ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी खानी, आप नॉर्मल हरी मिर्च खा सकते हैं और उस वो भी एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो भी आपको एंटी इंफ्लेमेटरी वर्क भी करता है, खून को भी पतला करता है, तो वो भी आपके लिए यूजफुल है। वो आप इंटेक करते हैं तो आपका जो दिक्कत है वो शांत होगी। इसके बाद एक और, ये जितने भी चीज़ें आती हैं ना, ज़्यादातर ये आती है बायोफाइब्रेनोइड फूड इनटेक के अंदर। मतलब अगर बायोफाइब्रेनोइड मतलब कि जो ऐसे फूड जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, ठीक है, और इसके साथ क्या मिलता है आपको? एंटी इंफ्लेमेटरी चीज़ें। ऐसा फूड जिसको जो आपकी सूजन को कम करे, आपके ब्लड के फ्लो को बेटर करे, ऐसा फूड। तो इसमें बहुत सारी बेरीज भी आ जाती हैं, सिट्रस फ्रूट भी आ जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको घर पे अवेलेबल मिल जाती है। इसके बाद बारी आती है जिंजर की। जिंजर भी एक तरीके से हमारा हेल्प करता है इसी चीज़ में। हम अगर अपने घर पे खाने का मसाला देखें या तड़का लगाया जाए तो किस चीज़ का लगाया जाता है? 3 चीज़ों का ही लगाया जाता है, और ये अभी की वैल्यू नहीं है, ये हमारी एंशंट टाइम की वैल्यूज़ हैं जो हम आज तक उसको भुगतते हैं, उसको हम ले रहे हैं, उनसे हम अचीव कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमारी बॉडी में जाएं और हमारी दिक्कतों को सॉर्टेड करें। तो ये 3 चीज़ें तो आपको, मैं एक नॉर्मल सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एज इन फूड फूड इनटेक में। कुछ चीज़ें आपको अपनी डाइट में भी कुछ चीज़ों को मॉडिफाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने बेरीज को स्टार्ट कर दीजिए, ऑरेंजेस स्टार्ट कर दीजिए, सर्दी आने वाली है तो ऑरेंजेस खाना स्टार्ट कर दीजिए, अभी गर्मियों का टाइम है, मौसम्बी अवेलेबल है, मौसम्बी लेना चालू कर दीजिए। फाइबर्स भी हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएगा, सरप्लस आपके साथ क्या हेल्प करेगा? सिट्रस फ्रूट होने की वजह से विटामिन सी आपके ब्लड में अच्छा पहुंचाएगा और इसके साथ आपके खून को थोड़ा सा थिन करेगा, जिसकी वजह से आपको ये ऐसा सिम्टम्स में थोड़ी सी शांति मिलेगी और आपको काम डाउन मिलेगा, एक तरीके से ठहराव मिलेगा। सिम्टम्स ही दिक्कत देते हैं वेरिकोसील में, ना कि आपको वेरिकोसील एसेस दिक्कत दे रहा है। अगर वेरिकोसील दिक्कत दे रहा होता तो वो अलग तरीके से दिक्कत दे रहा होता। बहुत सारे मेरे जो वीडियो मेरे साथ जो बनाते हैं या यूट्यूब जो चैनल चलाते हैं, वो एक चीज़ कह देते हैं कि आप श्रिंक हो जाएंगे, आपके टेस्टिकल्स, आप नपुंसक बन जाएंगे वेरिकोसील से। देखिए, मैं इतने पेशेंट देखता हूँ, हर पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता।
होता है, रेयर केसेस में होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता कि उनकी श्रिंकेज हो जाए, टेस्टिकल्स छोटे हो जाए, एट्रोफी हो जाए, ये रेयर केसेस होते हैं। ऐसा नहीं है हर एक वेरिकोसिल के पेशेंट को ये दिक्कत रहती है। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए, और इसके बाद अगर वेरिकोसिल है तो उसका सॉल्यूशन भी है, वेरिकोसिल है तो उसका एक सॉल्यूशन भी है। अगर आपके पास कोई वेरिकोसिल की रिपोर्ट है और आपको दिक्कत दे रही है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इसके बाद आपको और चीज़ें बताता हूँ जो आपकी वेरिकोसिल में हेल्प करेंगे सॉर्टेड करने के लिए। जैसे कि वेरिकोसिल में हम नॉर्मली जानते हैं कि पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन को हटाने के लिए लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को ये भी कहते हैं कि हम सुबह एक डाली लहसुन खा लेते हैं पानी के साथ और हमें थोड़ा अच्छा भी फील करता है, तो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, उसको मैं बुरा नहीं कहता, क्योंकि वो आपके इवन जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उन पर उस पर भी हेल्प करता है, इवन जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन पर भी हेल्प करता है, क्योंकि वो ब्लड को थिन कर रहा होता है बेसिकली। जो हम एस्पिरिन खाकर, बीपी के पेशेंट जो होते हैं एस्पिरिन खाकर खून को पतला कर रहे होते हैं, वो नेचुरली आपके खून को पतला कर रहा होता है। इसी वजह से लहसुन आपके लिए फेवरेबल चीज़ है, अगर आप खाते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं खाते तो उसको स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज़ों को। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें अवॉइड भी करनी होती है, जैसे कि हम हमेशा मना करते थे कि गैस्ट्रिक ट्रबल वाली चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। अब गैस्ट्रिक ट्रबल में क्या ऐसी हो गई, आपकी ज़्यादातर चीज़ें हो गई आपकी खीरा, ककड़ी, गर्मियों की आइटम है, और गर्मियों की आइटम में क्या दिक्कत आती है कि हम ठंडी चीज़ों की तरफ भागते हैं, उसमें खीरा ककड़ी ऐसी चीज़ों पे हम ज़्यादा सैलेड में खाने की प्रेफरेंस देते हैं, जिससे हमको दिक्कत बढ़ती है। वो कैसे दिक्कत बढ़ती है, वो गैस्ट्रिक ट्रबल बनाएगी, और जब वो गैस्ट्रिक ट्रबल बनाएगी तो वो आपको पेन अकर करती है। ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट को दिक्कत हो, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ये दिक्कत आती है कि गैस्ट्रिक ट्रबल से उनकी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं। एक बात समझ लीजिए, वेरिकोसिल है अगर आपके पेट के स्टमक पे, जिसे मैं बोलूँ कि आपका स्टमक जो है उस पे अगर किसी चीज़ का लोड पड़ रहा है, वो कई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो उसका प्रेशर रेडिएट भी होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। जब नीचे जाता है तो वो आपके टेस्टिकल्स तक पेन पहुँचाता है, और जब वो टेस्टिकल्स में पेन पहुँचाता है तो वो आपको दिक्कत होती है। तो हमेशा याद रखिए कि कुछ चीज़ें जो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल बनाती हैं, जो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट करती है आपकी बॉडी में, उस चीज़ को आप अवॉइड कर दो। बहुतों को राजमा से होती है ये दिक्कत, राजमा, जैसे राजमा हम खाते हैं, किसी को उड़द धुली दाल से भी हो जाती है दिक्कत। तो ऐसी बहुत अलग अलग बॉडी पे अलग अलग चीज़ें गैस्ट्रिक ट्रबल्स देती हैं, तो आपने वाली चीज़ों को अवॉइड करना है, और सरप्लस लहसुन, प्याज, थोड़े बहुत फल फ्रूट जिसमें थोड़ा सिट्रस फ्रूट, मौसम्बी, ऑरेंजेस, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। खाने में ब्रोकली खा सकते हैं, ब्रोकली आपके लिए बहुत हेल्पफुल करता है। ब्रोकली वो भी वही है, बायोफाइब्रोनेट फ्रूट में से आता है, और वो आपको बहुत अच्छा और बेटर एज एन रिजल्ट मिलेगा। तो हमने डरना घबराना नहीं है वेरिकोसिल से, हम कोई गड्ढे में नहीं जा रहे, हमारी कोई लाइफ आगे डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ये बस हमारी सोच और हमारा स्ट्रेस है, जो हम बातों सुन लेते हैं इधर उधर की और उसको हम अपने शरीर पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि एट्रोफी हो जाती है, टेस्टिकल्स छोटे हो जाते हैं, हम अपने टेस्टिकल्स देखते हैं और ये तो वाकई छोटे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको खुद भी ऐसा लग रहा है, आपके माइंड ऐसा कह रहा है, आपको माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो सीधा जाओ अपना एक यूएसजी स्क्रोटम करवाओ और वो रिपोर्ट सामने देख लो, वो आपको एग्जैक्टली क्लियर इमेज दे देगा जो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि बिना टेस्ट के आप नहीं कह सकते कि आपके टेस्टिकल्स छोटे हो रहे हैं, आपकी टेस्टिस की दिक्कत बढ़ रही है, आपकी टेस्टिस श्रिंक हो रहे हैं, नहीं होते। लटकन जब होती है ना टेस्टिकल्स में, वेरिकोसिल में, तो हमें लटकन दिखती है, लटकन से हमें यह लगता है कि एक टेस्टिकल्स हमारा बड़ा है और एक टेस्टिकल छोटा है, बट ऐसा नहीं होता। आप जाइए अपनी जांच करवाइए, अपनी एक यूएसजी स्कॉटम की रिपोर्ट कराइए। अगर आपको डाउट फिर भी होता है वेरिकोसिल के साथ, अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि टेस्टिकल छोटे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कंसल्ट कर सकते हैं हमसे, वो भी फ्री में, जो मेरी टीम बैठती है उनसे आप आराम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर करके मेरी टीम से कंसल्ट कीजिए, उसका एक राइट सॉल्यूशन लीजिए। और अगर आपको ये थोड़ी वीडियो समझ आई हो, आपका दर्द अगर थोड़ा सा कम कर पाई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।